पति का जो सवाल है कि मैं अपनी पत्नी पर क्या क्या केस कर सकता हूँ। पहला केस तो सबसे अच्छा और बेस्ट है ये कि अगर आपकी पत्नी मायके में बैठी है, नहीं आ रही, तो आप सेक्शन 9 का केस कर सकते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट धारा 9 का मुकदमा कर सकते हैं अपनी पत्नी को बुलाने का। दूसरा ये कि मान लीजिए आपका आपकी शादी झूठ बोल के कराई गई, आपकी पत्नी किसी गंभीर रोग से ग्रसित है, असाध्य रोग से ग्रसित है, तो आप धारा 12 का इस्तेमाल कर सकते हैं, विवाह को शून्य करा सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर शायद आपकी पत्नी विकृत चित्त हो, ये कहा जा सकता है, तो आप धारा 12 हिंदू मैरिज एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बात ये कि अगर आप थक गए हैं, हार गए हैं, परेशान हो गए, किसी कीमत पे आप अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकते हैं, ये संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रुएल्टी हो रही है आपके साथ, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जीना मरना, जीने मरने की स्थिति आपके साथ पैदा हो गई, या आपके साथ बहुत ज़्यादा क्रुएल्टी हो गई, या पत्नी एडल्ट्री में है, तो तमाम ऐसी बातें हैं, कारण हैं, तो आप धारा 13 अर्थात डाइवोर्स में भी आप जा सकते हैं। ये आपका तीसरा हो गया। चौथा, आप अपनी पत्नी के ऊपर अपने माता से घरेलू हिंसा का भी केस करा सकते हैं, यानी कि आपकी माता जी पर आपकी पत्नी पर घरेलू हिंसा का भी केस कर सकती है। पांचवा ये कि अगर आपके साथ मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, बदतमीजी हुई है, आपके ससुराल वाले किए हैं, यानी कि लड़की के मायके वालों ने आपके साथ इस तरह की घटना की और आपके पास सबूत है, प्रमाण है, चोटें हैं, तो आप उन सब के खिलाफ एक FIR भी दर्ज करा सकते हैं। FIR दर्ज होने के बाद वो अगर कोई केस करते भी हैं तो वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा, कहीं ना कहीं खारिज होने योग्य होगा, क्योंकि आपका मुकदमा पहले से आपने कराया है। पांचवी बात, अगर आप अपनी पत्नी के द्वारा किए गए केस में बाइज्जत बरी हो गए, तो आप मानहानि का भी केस कर सकते हैं। आप अपनी पत्नी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी कर सकते हैं। छठवां ये कि अगर आप अपनी पत्नी के द्वारा किए गए केस में बाइज्जत बरी हो गए हैं, फर्जी FIR थी, झूठी FIR थी, या उसमें FIR लग गया है, तो ऐसी स्थिति में धारा 182 IPC में भी उन पर केस कर सकते हैं। 182 IPC 211 तमाम ऐसी धाराएं हैं जिसमें आप उनके ऊपर केस कर सकते हैं और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। सातवीं बात, अगर आपकी पत्नी ने गंभीर धारा का आरोप लगाया था FIR में, जिसमें आजीवन कारावास या 7 साल से अधिक की सजा, जैसे 376, 377, 307 तमाम ऐसी धाराओं में FIR कराया था, और वो अंत में झूठी साबित हो गई या वो निकाल दी गई चार्जशीट से, तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ भी 383, 384 तमाम ऐसी धाराएं हैं जिसमें गंभीर धाराएं हैं कि जिसमें इतना जितना सजा इसमें होगी उतना उसमें, यानी आजीवन कारावास से दंडित अपराध में अगर FIR कराई गई तो उसमें भी आप FIR करा के उसे जेल भिजवा सकते हैं। आठवां ये कि अगर आपकी पत्नी ने फर्जी झूठा 125 अर्थात मेंटेनेंस का केस किया हुआ है, तो आप जानते हैं कि इसमें एक एक प्रमाण इसका मेरे पास है जो ये इसका मुकदमा पूरा झूठा साबित कर सकता है, एक एक एविडेंस मेरे पास है, तो ऐसी स्थिति में आप 340 की कार्रवाई जरूर कराएं और उसमें अपनी पत्नी को IPC की धाराओं में जेल जरूर भिजवा सकते हैं। नौवां ये कि अगर आपकी आपके परिवार की रिश्तेदारों का नाम फर्जी घरेलू हिंसा के केस में लिखा दिया गया है, तो उन्हें आप आसानी से धारा 25 सबसेक्शन 2 में एक आवेदन मजिस्ट्रेट को देकर नाम सबका हटा सकते हैं। दसवां ये
कि अगर आपकी पत्नी किसी और व्यक्ति के साथ संबंध में है या फिर वो कभी भाग गई किसी और के साथ, तो ऐसी स्थिति में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा सकते हैं। और अगर आप जानते हैं किसके साथ भागी है तो आप नामजद करते हुए आप FIR भी दर्ज करा सकते हैं, उसे जेल भिजवा सकते हैं अपनी पत्नी को। 11 नंबर ये कि अगर आपकी पत्नी आपके साथ तलाक होने के पहले, यानी आपसे तलाक हुआ नहीं, दूसरी शादी कर ली, तो उसके खिलाफ 494 IPC का भी केस आप कर सकते हैं। यानी आपको ये 11 नंबर के पॉइंट्स, ये 11 तरह के मुकदमे जो आप अपनी पत्नी पे कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगे, आपका विचार क्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।